दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा आज का पर्यावरण है वो एक चिंता का विषय बन चुका है और इसके संरक्षण की जो प्रक्रिया है उसके लिए कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वच्छ भारत में और आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वैज्ञानिक अधिकारी मिस्टर रवि शर्मा स्टूडियो में प्रस्तुत हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा होगी इको क्लब्स की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका के बारे में। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। थोड़ा सा रवि जी, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें, कुछ अपने बारे में, कुछ आपके कार्य के बारे में और थोड़ा आपकी संस्था के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि मैं हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और नेशनल ग्रीन कोर प्रोग्राम, इको क्लब प्रोग्राम जिसका नाम है, और वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को देख रहा हूँ। इसके साथ साथ नया अभी दायित्व मेरे को मिला है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर मैं कार्यभार संभाला है मैंने। तो कुल मिला के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है वो पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रदेश में आगे बढ़ा रही हैं। उसमें जो भी हमारी इनपुट्स रहती है लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोग्राम्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट जी करती है। तो आपकी हिमकॉस्ट, इसको कहा जाता है, हाँ, हिमकॉस्टे के नाम से। तो ये इसका गठन जो है 1986 में हुआ था। बिल्कुल। और इको क्लब्स जो आज का हमारा विषय है, तो ये इको क्लब्स होते क्या हैं ये रवि जी? मैं बताना चाहूँगा कि इको क्लब प्रोग्राम जो है लगभग इसको 20 साल से ऊपर हो चुके हैं इस प्रोग्राम को। ये 2002 में एक भारत सरकार की स्कीम थी, नेशनल ग्रीन कोर के नाम से स्कूलों में इको क्लब्स गठित किए गए हैं। ये पूरे भारतवर्ष में स्कूलों में इको क्लब्स का गठन किया गया था। हिमाचल में भी इको क्लब को गठित किया गया और ये जो इको क्लब्स हैं ये हमारे स्कूलों में इनका गठन किया गया है और हर ज़िले में लगभग 250 के करीब 250 इको क्लब जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि स्कूलों में हमारे प्रदेश के स्कूलों में 3000 इको क्लब चल रहे हैं और इसके अलावा 100 इको क्लब जो हैं वो कॉलेजेस में भी गठित किए गए हैं जिसमें कि पर्यावरण की एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाई जा रही हैं जी। क्योंकि पर्यावरण की चुनौतियाँ जो हम देख रहे हैं कि आजकल के ज़माने में बढ़ती जा रही हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता जा रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में? देखिए, जो हमारा इको क्लब, जो स्कूलों में इको क्लब्स हैं उनका मैंडेट है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जो भी हमारे काम किए जा सकते हैं उसमें हमारे एनर्जी से लेके वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और भी इसके अलावा जैसे प्लांटेशन कंपनीज है, कुछ भी एक्टिविटी जो कि पर्यावरण के संरक्षण में हमारे साथ जुड़ी हुई है उन एक्टिविटीज़ को हमारे बच्चे जो हैं इको क्लब्स के माध्यम से स्कूलों में करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूलों का पर्यावरण, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं पर्यावरण की गतिविधियों में, बहुत ही अच्छी तरह ये उसको संचालन कर रहे हैं गतिविधियों को जी। क्योंकि हम देखते ही आ रहे हैं कि काफ़ी टाइम से, हम भी जब पढ़ रहे थे उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा ऐसी गतिविधियों का जो है वो मन बताते थे हमें, किंतु हम छात्र थे उस टाइम, पढ़ने लिखने में थोड़ा मन कम लगता था कहीं ना कहीं, खेल कूद में ध्यान ज़्यादा रहता था। तो किस प्रकार से आप प्रेरित करते हैं छात्रों को कि वो, मान लीजिए अगर पानी बचाना है पानी बचाने के लिए, या अगर प्लास्टिक को कम करना है प्लास्टिक को रोकना है, या अगर पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उन्हें और लगाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, तो क्या, किस तरीके से आप उनको प्रोत्साहित करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो हमारा स्कूलों में ये इको क्लब्स का जो कार्यक्रम है इसमें हम कैपेसिटी बिल्ट अप करते हैं, उसमें हमारी टीचर जो इको क्लब इंचार्जेज होती हैं उनको इन विषयों के बारे में हम पहले अपडेट करते हैं कि किस तरह से आप बच्चों को, जब आप ये आइडिया परकुलेट करोगे उनमें, बताओगे उनको आइडिया जाके, तो कितना इफेक्टिवली आपने बताना है। तो वाटर की कई टिप्स हैं हमारे पास कि जब आप ब्रश करें तो एटलीस्ट जो हमारा पानी जर्नली करते हैं हम, तो पानी ऑन रहता है, वाश बेसिन का बेहतर रहता है। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स जो हैं बच्चों को बताते हैं ताकि किस तरह से पानी बचाया जा सके। कोई नल आपका चल रहा है, कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको आपने
बंद करना है, यानी कि चलते हुए चल रहा है तो आप भी आगे क्रॉस करें। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं। इवन एनर्जी कंजर्वेशन में हम बताएंगे बच्चों को कि जब आपको ज़रूरत नहीं है बिजली के कमरे में तो स्विच ऑफ करके जाए कमरे में। तो ये हमारे इको क्लब जो इंचार्जेज हैं, ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये बच्चों को बताते हैं। इसके अलावा समय समय पर एक्टिविटीज़ होती हैं, कंपटीशंस होते हैं, ताकि बच्चों में रोचकता बनी रहे इको क्लब से जुड़ने के साथ। जी, क्योंकि जैसे आपने बताया बिजली को बचाया जाए, तो जैसे हिमाचल में वैसे ही ऊर्जा के कई स्रोत हैं और सोलर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है यहाँ पे, सोलर एनर्जी भी। तो जैसे छात्रों को ये बताया जाए तो स्कूल में भी इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, कहीं आपने कुछ किया हो सोलर से रिलेटेड, या कुछ और कहीं आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया हो एक सोसाइटी में। देखिए, रिसेंटली हमने लगभग 20 स्कूलों में रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो लगवाए हैं इको क्लब्स में। तो उसके हमें जो हमने आंकलन किया है डाटा स्कूलों से जब मंगवाया है हमने, तो हमारे को बड़े अच्छे उसमें रिजल्ट्स मिले हैं। उसमें काफ़ी हद तक जो यूनिट्स जो बिजली के बिल आते थे स्कूलों के, काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। इवन कई स्कूलों में तो हमारे पास इतनी सरप्लस यूनिट्स जनरेट होके वो उनके अकाउंट में पड़ी है स्कूल के, ताकि जब उनका किसी वक्त वो बिजली ना बन पाए तो वो उसको यूज़ करके, और ऑलमोस्ट कई स्कूलों के बिल जो है वो जीरो बिल आ रहा है स्कूल का। तो और इसका उद्देश्य जो हमने सोलर प्लांट्स लगवाए हैं स्कूलों में इको क्लब्स में, उसका उद्देश्य ये था कि बच्चे सोलर एनर्जी के बारे में जानें और किस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है उसको समझें। तो ये बड़ा एक हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहा है और हमारे को सराहा गया इस कार्यक्रम जो हमने जो सोलर का जो इम्प्लीमेंट किया है स्कूलों में। अभी 20 स्कूलों में हमने इस तरह की यूनिट्स लगाई हैं। जी, तो सोलर के अलावा और क्या क्या ऐसी आपकी कुछ सफलताएं हैं जिन्हें मैं कहना चाहूँगा? देखिए, इको क्लब एक्टिविटीज़ जो हम स्कूलों में करवा रहे हैं उसमें मैं तो कहूँगा कि जैसे 20 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश में, तो अलग अलग टाइम पे नई नई चीज़ें, जैसे हमारा विषय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था, तो बच्चों को वर्मी कंपोस्टिंग के, टीचर्स को, स्कूलों को बताया गया वर्मी कंपोस्टिंग। इसके अलावा डस्टबिन प्रोवाइड किए गए स्कूलों को, वेट और ड्राई वेस्ट को किस तरह से सेग्रीगेट करने का एक हैबिट बच्चों में पैदा हो कि ग्रीन किसके लिए होता है और वेट किसके लिए डस्टबिन, वेट वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन है। तो ये डस्टबिन भी स्कूलों में लगभग सभी 3000 स्कूलों में और कॉलेजेस में हमने प्रोवाइड करवाए, हिमकोस्टे द्वारा प्रोवाइड करवाए गए थे। और इसी का फ़ायदा वो घर पे भी उठाते हैं? हाँ बिल्कुल, घर पे, क्योंकि जो आदत है स्कूल से जब वो सीख के जाते हैं कि गीला कचरा हमने इधर डालना है, सूखा इधर डालना है, और सूखा जो है रिसाइकलिंग में जाएगा और गीला हमारा कंपोस्टिंग के लिए जाएगा। तो ये शुरुआत स्कूलों से होके अल्टीमेट घर में जाती है और जो पेरेंट्स इसमें जागरूक हो जाते हैं वो इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक पेरेंट्स की बात है और सबसे बड़ी बात है कि भविष्य के लिए जो है वो बच्चा तैयार है। हाँ, भविष्य के लिए बच्चा तैयार है, क्योंकि बच्चे को स्कूल टाइम में ही जब पता चल जाता है कि मैंने ये एक्टिविटीज़ जो हैं सीखी हुई हैं और ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये काम करने हैं, तो जब बड़ा होगा जो सोसाइटी में जाएगा तो एक बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट जाएगा वहाँ पर। तो ये एक उद्देश्य जो इको क्लब्स के माध्यम से हमारा पूरा हो रहा है, जो स्कूलों में हमने गठित कर किए हुए हैं। जिस प्रकार से कार्बन फुटप्रिंट भी रवि जी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और मतलब जैसे आज के हिसाब से ही अगर हम चलते रहे, हमने अपनी जो हमारी हैबिट्स हैं उनमें सुधार नहीं लाया, तो ये उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं जो हमारी जीवन है उसमें ये काफ़ी इम्पैक्ट ये क्रिएट करेगा। बिल्कुल, तो कार्बन फुटप्रिंट में ये किस प्रकार से ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है या किस प्रकार से? कार्बन फुटप्रिंट का, हम वाटर कंजर्व कर रहे हैं तो हम कार्बन रिड्यूस कर रहे हैं, हम एनर्जी सेव कर रहे हैं, हम कार्बन रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। आप समझे कि जब हम ज़्यादा ऊर्जा की खपत करेंगे तो वो ऊर्जा कहाँ से पैदा होगी? जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं या हाइडल है, तो अल्टीमेट तो जैसे कोला जलेगा तो कार्बन निकलेगी जी। तो यदि हम कंजप्शन कम कर देंगे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, तो वहाँ पे कार्बन, हमारे को कोल कम जलाना पड़ेगा बिजली के लिए, तो अल्टीमेट हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होते जाएंगे। जी, वो कम होते जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, जैसे हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी भी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। तो अगर हम इको क्लब्स की बात करें तो इको क्लब्स के माध्यम से टेक्नोलॉजी में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी उसको हेल्प कर रही है और किस प्रकार से वो मदद कर पा रही है? देखिए, टेक्नोलॉजीज़, देखिए ये मैं कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है
जी ये नहीं हम कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं एक होनी तरफा चाहिए, नहीं चला जा नहीं सकता। चला सकते, मगर हमें जो एक सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल मान के चलें कि जो आने वाले समय के आने वाले लोगों के लिए भी बचानी है चीज़ें, तो वो कॉन्सेप्ट कम से कम बच्चों को हम इको क्लब्स के माध्यम से बता रहे हैं। जो वाटर कंजर्वेशन की हमारी टेक्निक्स हैं, किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं, क्या उसको कितना किसकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम दे सकते हैं प्लांट्स को या कुछ, वो सारी सारी टेक्निक्स जब हम बताएंगे उनको, जी तो अल्टीमेट जो कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस करने में सफलता हासिल होगी। जी अब मान लीजिए कोई छात्र है, अब छात्रों का मन थोड़ा विचलित होता है, वो चाहते हैं कि जो वो कार्य करें उस कार्य का उन्हें कुछ फल मिले, कुछ फ़ायदा हो, कुछ बेनिफिट हो। मान लीजिए एक छोटा सा आपने काम करवाया तो एक छात्र को टॉफ़ी मिल गई या एक चॉकलेट मिल गई या एक खिलौना मिल गया, तो उसी प्रकार से क्या कोई ऐसा फ़ायदा है जो मतलब ये छात्र अपने जीवन में देख सकें, जो उनको इम्पैक्टफुल उसी टाइम से उसी दौरान से लगना शुरू हो जाए? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा छात्र को ये है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, यदि उसने इन्वायरमेंट की हैबिट्स सीखी होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की जो पॉजिटिव हैबिट्स है कि आपने जो लिटरिंग नहीं करनी है, जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना है, जब कोई रैप खाया आपने टॉफ़ी भी खाई है तो इनफैक्ट उसको अपनी जेब में रखे, प्रॉपर जब प्लेस मिले या डस्टबिन मिले वहीं पर डाले, इस तरह की जो हैबिट्स चलती जाएंगी तो अल्टी, और भी इसके अलावा जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बिजली बचा सकते हैं या दूसरी, अच्छा इसके अलावा जैसे प्लांटेशन कैंपेन्स है हमारी, कि जी बच्चे को एक नेचर के साथ प्यार होता जाएगा और पशु पक्षियों के साथ प्यार, और तो एक वो जीवन भर उसके साथ जुड़ा रहेगा और एक समाज के लिए वो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके जी चलेगा एक बच्चा। पूर्णतः डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट उस बालक की बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि वो अपना भी ध्यान रखेगा और जिस वातावरण में वो जी रहा है, उसका भी ध्यान जिस रहेगा। धरती में हम रह रहे हैं उस धरती का भी हम ध्यान और रख मैं पाएंगे। कहूँगा कि जो हमारे इस तरह के बच्चे जो इको क्लब के मेंबर जुड़े हुए हैं, वो आगे चल के जो हमारी नेचर है, नेचर के साथ उनको खास तौर पे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता लगाव है। हो जाता है जी ना, क्योंकि यदि वो किसी पशु या पक्षी को प्रॉब्लम में देखेंगे तो उसको वो बचाने की या सॉर्ट आउट करने की उसकी प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं बच्चे को। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बहुत 5-6 साल पहले एक स्कूल ने बताया था मेरे को कि ऊना का स्कूल था, वहाँ पे पक्षियों ने घोंसला बना लिया और उसमें एग भी ले कर दिए जी और चिक्स हो गए, जी और वो फैन के साथ थे, तो स्कूल जब ओपन हुआ अप्रैल मंथ में, तो यदि वो फैन चलाते तो वो घोंसला उनका गिरना था, जी तो वहाँ के जो कॉन्शियस इको क्लब इंचार्ज और जो अदर फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने ये निर्णय किया जब तक ये चिक्स जो है बड़े नहीं हो जाते तब तक इस कमरे का हम फैन नहीं चलाएंगे। तो आप ये देखें कि कितना बड़ा नेचर के साथ उन्होंने लगाव था, तभी जी उसको, अदरवाइज कोई घोंसला उठा के वो कहीं दूसरी और जगह भी भी रख ले। सकते थे। और ये तो मैंने स्कूल की बात बताई, जहाँ सैंज है, जब आप जी चौपाल को जाओ रास्ते में सैंज है, वहाँ एक ढाबा था, वहाँ जब मैं चाय पीने के लिए रुके तो वहाँ पे देखा कि जो हमारे पक्षियों ने भी वहाँ पे बनाया हुआ है, और उन्होंने ढाबे मालिक ने भी पंखे बंद करवाए हुए हैं कि जब तक ये उड़ नहीं जाते यहाँ से मैं पंखा नहीं चलाता ये यहाँ पे। तो ये बड़े एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि लोग कैसे जुड़े हुए हैं इसमें। एक बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि छोटे स्तर पे भी लोग किस प्रकार से हमारी प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं, पक्षियों का ध्यान रख रहे हैं। तो अगर बात करें हम लोकल संस्थान जो हैं वो किस प्रकार से इको क्लब के साथ जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से वो मदद कर सकते हैं इसमें डेवलपमेंट में या कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में? जो हमारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, कोई मैं कहूँगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इको क्लब्स की एक्टिविटीज़ में अपना योगदान देती हैं, वो स्कूलों में जाते हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, कोई ट्रेनिंग्स हैं या कोई लेक्चर्स हैं, उसके माध्यम से वो हमारे स्कूल के बच्चों को बताते हैं। और इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे साथ जुड़ती हैं, जब हम समय समय पर स्वच्छता कंपेन्स करते हैं, पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ इस तरह की कंपेन्स जब हम करते हैं, तो उसमें इस तरह की संस्थाएं बच्चों के साथ जुड़ती हैं और पूरा एक अच्छा रोल अदा करती हैं। जी तो ये स्वच्छ भारत का एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा बिल्कुल, हिस्सा है। स्वच्छ भारत का हिस्सा है, और हिमकोस्टे ने गत वर्षों में इस स्वच्छ भारत कैंपेन के अंतर्गत कई प्रोग्राम्स किए। मैं बताना चाहूँगा कि हमने 7 जिलों में स्वच्छता कैंपेन चलवाई थी अंडर स्वच्छ भारत एक्शन प्लान में, तो इसमें आप ये देखें कि लगभग हमने 20 स्थानों पे सफाई अभियान बच्चों के माध्यम से
एमसीज के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इस तरह से ऑर्गेनाइज करवाए हमने कम्पेन्स, और अल्टीमेट जो कम्पेन्स थी हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही। जितना भी वेस्ट वहाँ पे कलेक्ट किया उन्होंने वॉलंटियर्स ने, वो सारा का सारा वेस्ट जो था वो हैंडओवर किया गया एमसीज में ताकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जा सके। तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, पूरे सिरमौर में भी रहा, कांगड़ा में भी रहा, तो एक पूरे लेवल पे ये कम्पेन हमारी स्वच्छ भारत में चलाई गई है, स्वच्छ भारत में चलाई गई। और इसी प्रकार से अभी पिछले ही कुछ दिनों में आपको अवार्ड से भी, हिमाचल को एक अवार्ड से भी नवाजा गया है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, तो बड़े हर्ष का विषय है हिमाचल के लिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली द्वारा हमें बेस्ट ग्रीन स्कूल अवार्ड के अंतर्गत स्टेट अवार्ड हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हमारा एवेल्यूशन ये किया गया कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन स्कूल रिपोर्ट थी वो हिमाचल की तरफ से आई थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ये अवार्ड स्टेट को मिला। इसके अलावा गोल्डन पार्टनर अवार्ड भी दिया गया, दो अवार्ड्स हमारे को ये फरवरी के मंथ में दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे ये अवार्ड हमें स्टेट का प्राप्त हुआ है। जी, तो ये सभी हिमाचल वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए एक बड़ा मैं कहूँगा कि सबका प्रयास था, तो जो स्टेट जो है ये अवार्ड जीत पाई। जी, तो किस प्रकार से हम, और मान लीजिए जो नीति निर्माता हैं या जो और लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, या आप हिमकॉस्टे के एक सदस्य हैं, तो किस प्रकार से और आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे कि इको क्लब्स जैसे कंसेप्ट को और एक ग्रोथ मिले और एक मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएं। देखिए, इसमें हमारे देखो एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ इको क्लब एक्टिविटीज इन द स्कूल नाम से एक स्कीम है हमारे पास, जिसमें कि हम स्कूलों को कुछ फंडिंग देते हैं ऑन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। तो वो हिमकॉस्टे के पास स्कूल्स अपने प्रपोजल सबमिट करते हैं, और उसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैंपस, हर्बल गार्डन डेवलपमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इसके अलावा कोई वो और विषय समझते हैं कि जो कि पर्यावरण के लिए उपयोगी है, उसमें हम प्रपोजल आमंत्रित करते हैं, और प्रपोजल स्क्रूटनी करने के बाद उनको हम धनराशि उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपने विद्यालयों में गतिविधियां कर पाएँ, जो भी उनको उपयुक्त लगता है उस हिसाब से वो एक्सपर्ट्स बुला के लोकल लोगों की मदद लेके वो वहाँ पे कार्यक्रम करें। इसके अलावा मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने 100 इको क्लब्स में प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी जो हमारी है उसके अंतर्गत स्कीम शुरू की है, जिसमें कि बच्चे जो हैं मैं तो पहले तो यही हम इनकर्ज करते हैं कि स्कूल में प्लास्टिक ना लेके आए बच्चे। इन केस कोई कुरकुरे का पैकेट, बिस्किट का पैकेट या कोई इस तरह का टॉफ़ी के रैपर्स आ जाते हैं स्कूल कैंपस में, तो बच्चों को एक निर्धारित स्थान पे इको क्लब्स के इंचार्जेस बताते हैं कि यहाँ पे आप इसको डालोगे, रखोगे, और वो जो जितना प्लास्टिक वेस्ट जो इकट्ठा होगा पर मंथ उसको प्रॉपरली वो हैंडओवर करेंगे नगर पंचायत, नगर म्यूनिसिपल काउंसिल इनके पास। और इसमें मैं एक बताना चाहूँगा कि हम जो वेस्ट वो हमें रसीद बताएंगे कि हमने मान लीजिए 10 किलो आपको दिया है, 15 किलो दिया है, तो वो रसीद हमें जब आप वो भेजेंगे शिमला हिमकॉस्टे में, तो हम उनको 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से स्कूल को फंड्स भिजवाएंगे। वो जो फंड्स है बच्चे अपने अपना कोई कॉपी ले सकता है, पेंसिल ले सकता है, रिफ्रेशमेंट पे यूज़ कर सकता है, कोई इस तरह का जैसे स्कूल में कैंटीन है वहाँ पर रिफ्रेशमेंट में, तो ये इस तरह की एक इनकर्जमेंट के लिए हमने रखा है ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो इधर उधर ना फेंका जाए, प्रॉपरली इसका डिस्पोज ऑफ किया जाए। जी, क्योंकि हम देखते ही हैं खासकर हिमाचल में जैसे पर्यटक भी आते हैं, आमतौर पे शिमला के लोग या हिमाचल के लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं अपने घर बार का, परंतु पर्यटकों को आप हर वक्त नहीं ये समझा पाते। तो उसके लिए जैसे मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि जैसे टॉफ़ी के रैपर्स हैं, मान लीजिए काफ़ी चीज़ें जैसे प्लास्टिक बैग्स तो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं हिमाचल में, तो जैसे टॉफ़ी के रैपर हैं या मान लीजिए लेज़ हैं, कुरकुरे हैं, तो इसको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं या क्या हम ऐसा कार्य कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम ये गंदगी ना फैले? मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि बच्चों के माध्यम से पिछले सालों में हमने एक कंपेन चलाई थी, सिटी बजाओ पर्यावरण बचाओ, मॉल रोड पे चलाया था हमने जी काफ़ी साल पहले। तो उसमें जब भी बच्चे इस तरह का कोई टूरिस्ट थ्रो करता है
मॉल रोड पे कोई रैपर्स है या कुरकुरा, तो वो सीटी बजाते थे, बच्चों का ग्रुप इको क्लब्स का ग्रुप होता था, तो उनको वो बोलते थे कि आप प्लीज़ इसको उठाइए और प्रॉपर डस्टबिन में डालिए। तो मैं इस तरह से हमारे कई मैं ये बच्चे इन्वॉल्व तो रहते हैं इन एक्टिविटीज़ में, और एटलीस्ट जो आपने टूरिस्ट की बात की है तो टूरिस्ट को भी हम समय समय पर यदि इस तरह के कैंपेन्स हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे ताकि वो और जागरूक रहें इस चीज़ के बारे में, जागरूक रहें। और जैसे आपने बताया कि बच्चे बाहर जाते हैं, तो क्या वो नेचर वॉक्स भी उसमें होती हैं शामिल? बिल्कुल, नेचर वॉक एक बड़ा एक अहम कंपोनेंट है इको क्लब एक्टिविटीज़ का। हिमकॉस्टे ने गत वर्षों में नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम के अंतर्गत पोंग डैम वेटलैंड पे बच्चों के लिए एक बच्चों का ग्रुप लेके गए, वहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन करवाई वन विभाग के साथ मिलके, और वो 3 दिन का नेचर कैंप था, बच्चे वहीं नेचर में रहे और उन्होंने पूरा इन्जॉय किया, और बच्चों ने प्रकृति के साथ जुड़े कि किस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, सारा का सारा वहाँ पे उनको बताया गया। और मैं अभी बताना चाहूँगा, रिसेंटली 2 दिन पहले 25 और 26 को हमारा HFRI में ई बर्डिंग के ऊपर एक सेमिनार था, उसमें भी हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला और सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्योलिया के लगभग 50 बच्चों को आमंत्रित किया था नेचर इसी तरह की नेचर एक्टिविटीज़ के। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे उनके साथ बच्चों ने इंटरेक्ट किया, किस तरह से ई बर्डिंग करते हैं, किस तरह से बर्ड्स को आप पहचानना है साउंड से, उसके बीक से, या किस तरह से उसका नॉमनक्लेचर रहता है, वो बच्चों को बताया गया। उसके बाद उन बच्चों को कुफरी जू लेके गए ताकि बच्चे नेचर को वहाँ पे देखें। तो इस तरह की गतिविधियाँ हिमकॉस्टे करती रहती हैं। रवि जी, ये तो मुझे ही सुन के इतना आकर्षक लग रहा है, तो बच्चे क्यों ना आकर्षित होंगे इसकी तरफ, तो खासकर क्योंकि बच्चों का जैसे मतलब चर्चा टॉपिक ही वो है कि स्कूल में क्या इको क्लब्स का वो है। तो एक सवाल मैं इस पर और पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से मतलब आप छात्रों को आकर्षक रखते हैं, उनको जुड़ाना एक बात है किंतु उनको आकर्षित करके रखना, प्रेरित करके रखना उस कार्य को करते रहने के लिए? देखिए, इसमें हमारा पूरा एक कैलेंडर, मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इसमें वेटलैंड डे 2 फरवरी को, वाटर डे 22 मार्च को, अर्थ डे 22 अप्रैल को, बायोडिवर्सिटी डे 22 मई को, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। इस तरह से जो डेज़ हैं वो हमने पूरा कैलेंडर इको क्लब्स को दिया होता है, वो सारा साल वो जो डेज़ हैं एटलीस्ट वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ ये नहीं कि उसी दिन वो काम करते हैं, तो वो एक बोलते हैं कि मोटिवेशन मिलता रहता है कि अगले महीने हमने ये काम करना है, तो बच्चों को बड़ी खुशी रहती है। और बच्चे उसमें पेंटिंग्स करते हैं, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट होते हैं, और भी इस तरह की गतिविधियाँ रहती है, तो बच्चे बड़े इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ जुड़े रहते हैं नेचर के साथ। जी, तो रवि जी, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा किसी ऐसे संदेश के बारे में जो संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, वो लोग जो या तो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं या अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। देखिए, हमने लास्ट ईयर एक थीम के अंतर्गत एक पेड़ मेरे स्कूल के नाम से कैंपेन शुरुआत किया था अगस्त महीने में। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लगभग पूरे प्रदेश से हमारे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में लगभग 27,000 के करीब प्लांटेशन की गई बच्चों के द्वारा। उसमें हमारे लोकल पेरेंट्स टीचर जो थे वो भी जुड़े उस कैंपेन में, स्थानीय ग्राम पंचायत के लोग भी उस कैंपेन में जुड़े, और भी कई जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, नेहरू युवा केंद्र है या महिला मंडल है, वो सारे के सारे उस कैंपेन में जुड़े थे। तो इस तरह से जब भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, खासकर हमारे जो इको क्लब्स गाँव में हैं और वो इन गांव स्तर पे जोड़ते हैं और शहरों वाले शहरों स्तर पे जोड़ते हैं, तो जो क्योंकि पर्यावरण जो है वो सबके साथ जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि मेरे साथ जुड़ा है या इको क्लब के बच्चों के साथ जुड़ा है, वो हम सब लोगों के साथ जुड़ा है। तो बड़ा एक अच्छा संदेश जाता है, और सफाई सबको पसंद है, पर्यावरण के बीच में साफ़ सुथरी ऑक्सीजन लेना, हवा लेना, सबको अच्छा लगता है। और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ऐसी धरती, इससे बेहतर धरती को देखे जिसमें हम रह रहे हैं। हमारा देखिए हिमाचल का तो प्रयास रह रहा है इसमें, और बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसा ही इको क्लब जो है हमारा अच्छा काम करते रहेगा, और हिमकॉस्टे जो है बच्चों को और इन्हें जो भी इसमें इन्वॉल्व है पर्यावरण गतिविधियों का उनको मोटिवेट करते रहेंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे स्टूडियो में आए।
दर्शकों, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने इस शो में हमें देखा, और स्वच्छ भारत के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दूरदर्शन हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।